हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है दही बड़े, और ये रेसिपी मैं खास होली के लिए लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम दही बड़ा बनाना शुरू करते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए हमें जितनी सामग्री चाहिए, यहाँ पे मैंने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है और मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मूंग दाल, और ये बिना छिलके की दाल होनी चाहिए। 100 ग्राम उड़द की दाल, ये भी बिना छिलके की होनी चाहिए। साबुत पकी इमली, साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा सोंठ पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक, जीरा, गुड़, अगर गुड़ ना हो तो हम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते। हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया की पत्ती, अदरक के टुकड़े और सफ़ेद नमक। बड़े को भिगोने के लिए हमें चाहिए दही। ये दही मैंने यहाँ पे आधा केजी दही ली हुई है, जो क्वांटिटी मेरी है। दही हमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि पहले हम दही में बड़ों को भिगोएंगे और फिर सर्विंग के समय पे भी हमें थोड़ी थिक दही चाहिए होगी सर्व करने के लिए। तो दही मैंने यहाँ पे पूरा आधा किलो दही ली हुई है। थोड़े से अनार के दाने। फ्रेंड्स, अब हम बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, और बड़े बनाने के लिए हमने पहले से जो 100 ग्राम मूंग दाल और 100 ग्राम उड़द दाल ली है, अब इसे हम एक बर्तन में ऐड करेंगे दोनों को एक साथ मिक्स करके, और इसे हम अच्छे से वॉश करके और इसे 6 घंटे के लिए हम इसे, फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसे धुल दिया है। धुलने के बाद से हम इसे इस तरह से ढक के 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर 6 घंटे के बाद हम इसको पीस लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब 6 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो दाल है वो पूरी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसका पेस्ट बना, मैं इसे जार में ऐड करती हूँ। जो दोनों दालें हैं उसको जार के अंदर ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ध्यान रहे हमें पेस्ट को बहुत पतला नहीं बनाना, इसलिए हम पानी को बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी को वापस से पेस्ट बनाने के बाद ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैं अब आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ, जो कि इस बड़े को बिल्कुल रुई की तरह से सॉफ्ट बनाएगा। हमें इसे तुरंत से तेल में बिल्कुल नहीं डालना, हमें इसे फेंटना है, और फेंटते वक्त हमें ध्यान देना कि हम सिर्फ इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटे। से हम बड़े को तभी बनाएंगे, पहले हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम यहाँ पे 1 गिलास पानी लेंगे, और इस पानी के अंदर हम 1 ड्रॉप बैटर को डालेंगे। अगर ये बैटर पानी के अंदर डूब जाता है तो हम उस समय बड़े को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अगर हम बनाते हैं तो हमारा बड़ा बिल्कुल भी फल्फी नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, और जब ये इस तरह से ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा तो ही हमारा जो बड़ा है वो जाके फल्फी और बिल्कुल रुई की तरह होगा। तो आपको इस स्टेप को बहुत ही केयरफुली करना है। नमक और हल्दी ऐड कर लेंगे। हमने मिक्स करके इसे ढक के रख लिया। हरी धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सर के अंदर हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दी, काला नमक, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, लाल मिर्ची, साबुत जीरा और कटे हुए अदरक। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी धनिया की चटनी पीस के तैयार है, लेकिन यहाँ पे मैं इसके लिए आपको एक और ट्रिक बताऊंगी। इसमें हम 1 टेबल स्पून थिक कर्ड ऐड करेंगे। और ये चटनी हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी की चाहिए, तो हम इस लेवल पे थोड़ा सा वाटर भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बार और ब्लेंड कर लेंगे और फिर हमारी जो चटनी है वो बनके तैयार हो जाएगी। कंटेनर में पोर कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। जीरे के पाउडर बनाने की तैयारी करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले मैं तवे को रख के फ्लेम को ऑन कर दूंगी, जीरे के सीड को ऐड करूंगी। जीरा भुन के हो रहा, वैसे वैसे इसका कलर में चेंज आ रहा है। फ्लेम को ऑफ करके थोड़ी देर तक इसके ऊपर इसको चलाते रहेंगे, और फिर हम इसको जार के अंदर ऐड करेंगे, मिक्सर जार। फ्रेंड्स ये देखिए,
हमारा जीरा पाउडर बनके तैयार है बिल्कुल। तुरंत बनाते हैं तो आपका जो दही बड़ा है बहुत ही ज्यादा यम्मी लगने वाला है, तो आप इसको तुरंत फ्रेश इस तरह से बना लेंगे। इसे भून के और आपको मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं इमली को भिगोए हुए, तो हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे और हमें बस इसकी प्यूरी चाहिए। इसमें से गूदों को निकाल के अलग कर लिया और ये हमने प्यूरी ले ली है, तो अब हम इसकी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम इस तरह से इसकी प्यूरी को निकाल लेंगे। यहाँ पे स्वीट के लिए हम यहाँ पे गुड़ को ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप अगर चाहते हैं तो आप अपनी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। बनाना है आवश्यकतानुसार काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा सोल्ट पाउडर, एक्स बनाई थी वो भी हम थोड़ी ऐड करेंगे और हम जीरा पाउडर जो हमने बनाई थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो अब जब तक हमारी इमली की चटनी पक रही है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। दही हम ऐसे बर्तन में बनाएंगे जो कि गहरा हो, ऐसे गहरा कंटेनर का आप यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जब हम बड़ों को डालते हैं तो मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी है जिसकी वजह से हमारे बड़े बहुत ही सुंदर से फूले फूले से बनेंगे। तो जब हम उसे स्पेस ज़्यादा देंगे बड़ों को तो वो दही को अच्छे से एब्जॉर्व करेगा, तो हम इसके लिए गहरे कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैंने थिक और कूल कर्ड इसमें ऐड कर लिया, साथ ही मैं इसमें चीनी भी ऐड करूँगी, साथ ही हम थोड़ा सा काला नमक भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करके और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये जो मिक्सचर है इसे हमें डाइल्यूट मिक्सचर तैयार करना है, क्योंकि जब हमारा मिक्सचर डाइल्यूट होगा तो ही बड़े इस दही को एब्जॉर्ब करेंगे। इतना पतला मिक्सचर हम तैयार कर, फ्रेंड्स वेट करेंगे हम इसे। इसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए बड़े बनके हमारे तैयार हैं और हम इसे डायरेक्ट यहां से निकालेंगे और हम दही वाले कटोरे में इसको इस तरह से ऐड करते जाएंगे। बाकी के भी जो बड़े हैं उन्हें मैं बना लेती हूँ। देखिए कितने सुंदर से सुनहरे रंग के बनके तैयार हो। गार्निशिंग के लिए भी हम प्रिपरेशन कर लेंगे। हम दही ले लेंगे और इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इस तरह से फेंटेंगे। ये कंटिन्यूस बीट करने से ये कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी की, थिक कंसिस्टेंसी की ये बन चुकी है। इसे हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और गार्निशिंग के लिए दही बड़े हैं वो बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट और फल्फी बन के तैयार हुए हैं ये देखिए। और ये पूरी जो दही हमने इसमें ऐड की थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम इसको सर्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसे, ये जो दही हमने पहले से बीट करके रखी थी, हम इसे इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरी चटनी, फिर हम ऐड करेंगे इमली की मीठी चटनी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स जो कि हमने फ्रेश बनाई थी, फिर हमने ऐड की जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट थोड़ी सी ऐड करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, कुछ कोरिएंडर लीव्स हम इसको डेकोरेट करेंगे और हम इस पे अनार के कुछ दाने डालेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये आज हमारी रेसिपी बनके तैयार है और ये जितना देखने में लग रही खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस होली पे अपने घर पे जरूर ट्राई करिए, मेहमानों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, हैप्पी होली।